दमोह में रंगपंचमी पर नेताओं ने कोरोना गाइडलाइन को उठाकर ताक पर रख दिया। रंगपंचमी में राजनीति का तड़का ऐसा लगा कि भीड़ के बीच बालाओं ने ठुमके लगाए तो नेताजी भी गाने गाते नजर आए। दमोह में रंगपंचमी पर कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच हुए आयोजन ने सरकार और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप जो दृश्य देख रहे हैं, क्या कोरोना संक्रमण काल में ऐसे आयोजन की परमिशन देने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? दमोह विधानसभा का उपचुनाव है, लिहाजा चुनावी चक्कर में कोरोना का जरा सा भी भय नहीं है। सरेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोगों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। दमोह के गणेशपुरम में रंगपंचमी पर युवा व्यापारी संघ ने बाकायदा बालाओं के डांस का आयोजन किया। यहां से बीजेपी के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी डांस के बीच खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया। जब बालाओं के डांस हुए तो विधायक जी का गाना भी हुआ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।